आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग से सेक्रेटरी श्री संजीव हंस और श्री लोकेश कुमार सिंह तथा आपदा प्रबंधन विभाग से नोडल पदाधिकारी श्री संजय सिंह भी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं जो सरकार द्वारा इस कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जो कदम उठाए गए उनकी जानकारी दूंगा। अभी तक का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल 4699 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 38 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है और 15 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। हमारे यहाँ अभी टोटल 4 टेस्ट फैसिलिटीज़ पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, RMRI और IGIMS में फंक्शनल हैं। अभी तक जो हम लोगों ने मुख्य रूप से सहायता दी है उसमें सभी राशन कार्डधारियों को 1000 रुपये की राशि अंतरित की जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जितने भी राशन कार्ड पेंडिंग में हैं या रिजेक्टेड हुए हैं पहले छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से, उनके लिए भी निर्देश दिया है सरकार ने कि उनको रिविजिट किया जाए, रिकंसीडर किया जाए, ताकि कोई जेन्युइन राशन कार्ड जिसका भी आवेदन हो वो रिजेक्ट नहीं हो और उनको भी लाभ मिल सके। 1 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को जो भी छात्रवृत्ति ड्यू थी वो दे दी गई है। सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के मूल वेतन के समतुल्य उनको राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। इसके